लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदना, स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। रैन बसेरा में नहीं है कोई सुविधाएं, खाना पानी चाय की नहीं है कोई व्यवस्था। भूखे पेट सोते हैं रैन बसेरा में ठहरने वाले यात्री। रैन बसेरा के बाहर अलाव की भी नहीं है व्यवस्था। ठंड शीत लहर से ठिठुरते हुए यात्री अधिकतर नहीं दे रहे हैं इस ओर ध्यान। ठंड शीत लहर से ठिठुरते हैं यात्री, अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस ओर ध्यान। शासन जिलाधिकारी के आदेश, हवा हवाई डीएम के आदेश का नहीं हो पा रहा अनुपालन। और नगर पंचायत सिकंदरा में बने रैन बसेरा का है ये मामला। नाम कहाँ रहते हो? सिकंदरा। रैन बसेरा में ड्यूटी आपकी है? हाँ, मेरी ड्यूटी है। अभी तक यहाँ कितने लोग रुक चुके? 21 लोग। खाना पानी चाय नाश्ता कोई व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों व्यवस्था नहीं है? यहाँ सिर्फ सोने की व्यवस्था है बस। भाई साहब, आपका नाम क्या? मोहम्मद मुफीद पठान। कहाँ से रहने वाले हैं? कन्नौज। अच्छा, आज आप कहाँ पर हैं? ये सिकंदरा में थोड़ा काम था इसके लिए। अच्छा, तो आज आप कहाँ रुके हैं? ये रैन बसेरा है सिकंदराबाद सिकंदरा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? लेटने बैठने के लिए सही व्यवस्था है। अच्छा, खाना पानी चाय नाश्ता की? तो अभी मान लो 5-6 बजे तक आए तो वैसी कोई व्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ी अभी, और ना ही हमारे साथ हुआ ही है। लेकिन वैसे यहाँ व्यवस्था खाना पानी चाय की है कि नहीं है? ये तो अभी हम बता भी नहीं सकते कि है या नहीं है।